दोस्तों, हम एक सुंदर सा मोर किस प्रकार बना सकते हैं? कई बार छोटे बच्चों को दिक्कत होती है पिकॉक की ड्राइंग बनाने में, तो किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम दो लिखेंगे इस प्रकार से। ये हमने सबसे पहले दो लिख लिया, उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से मोर की गर्दन बनाएंगे और उसके बाद इस लाइन को घुमाकर और यहाँ तक ले जाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये एक बत्तख की आकृति बन गई। पर हमें मोर बनाना है तो उसके लिए हम मोर की चोंच बनाएंगे, फिर मोर की आँख बनाएंगे और उसके सर पर जो ताज होता है वो बनाएंगे। उसके बाद जो उड़ने के लिए पंख होते हैं उसके, वो पंख बनाएंगे इस प्रकार से और मोर के पैर बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ पर मोर के तीन पंजे होते हैं और एक पीछे की तरफ पंजा होता है। इतना होने करने के बाद ये मोर के पीछे वाले पंख बनाएंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और इन्हीं की वजह से मोर काफी सुंदर लगता है। ये कुछ इस आकृति के होते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार ये मोर बनाएंगे। उसके बाद जहाँ पर मोर खड़ा है वो जमीन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये मोर बन गया और अब हम इसमें कलर करते हैं। तो सबसे पहले हम नीले कलर से मोर की गर्दन बनाएंगे। मोर का मुंह और गर्दन नीले कलर की होती है, तो हम इस प्रकार से मोर की गर्दन बनाएंगे। उसके बाद मोर के जो उड़ने वाले पंख होते हैं वो हल्के ब्राउन कलर के होते हैं, तो हम मोर के उड़ने वाले पंख बनाएंगे। उसके बाद पीछे के पंख बनाएंगे जो कि हरे कलर के होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम पीछे के पंखों में हरा कलर करेंगे। इस प्रकार से और उसके बाद हम मोर के पैरों में कलर करेंगे जो कि ब्राउन होते हैं, फिर चोंच में करेंगे और थोड़ा सा कलर उसके मुकुट में करेंगे। उसके बाद हम जमीन में कलर करेंगे। जहाँ पर हमारा मोर खड़ा है उसको हल्के लाइट कलर से कलर करेंगे और इस प्रकार से जमीन बनाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा क्यूट सा मोर तैयार हो गया। तो आप भी वीडियो देखें और बनाने की कोशिश करें, चैनल को लाइक करें और अंकेश शर्मा आर्ट चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।